दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एशिया कप में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के बाद रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरते ही कई बड़े बड़े रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया। रोहित ने हाशिम अमला, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ कर इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया। तो आखिर कैसे रोहित ने महा रिकॉर्ड अपने नाम किए, ये तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा इस बार एशिया कप का खिताब जीतकर भारत के नाम करवा पाएंगे या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाकर रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ भी उसी अंदाज में मैदान पर उतरे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। रोहित ने पहले श्रीलंकाई गेंदबाजों को अच्छे तरीके से समझाया और फिर प्रहार करना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा ने देखते देखते चौके और छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और गिल के साथ मिलकर 50 रनों की अर्धशतक की साझेदारी पूरी की। इसके बाद रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं लिया और देखते देखते उन्होंने चौका छक्का लगाते हुए अपना एशिया कप में तीसरा लगातार अर्धशतक ठोक दिया। इस अर्धशतक के साथ रोहित शर्मा ने कई बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए और रोहित शर्मा ने इस पारी में छक्का जड़कर अपने वनडे क्रिकेट करियर के 10,000 रन पूरे किए। उन्होंने उपलब्धि केवल 241 मैच खेलकर हासिल की। इसी के साथ उन्होंने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा है और विराट कोहली के बाद यह माइलस्टोन हासिल करने वाले वो केवल दूसरे भारतीय बने हैं। रोहित शर्मा ने इस मैच में केवल इतना ही नहीं, कई और बड़े बड़े रिकॉर्ड को धराशायी कर अपने नाम किया। उन्होंने एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा ने एशिया कप में कुल 28 छक्के जड़े हैं। वहीं दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी शाहिद अफरीदी मौजूद हैं और तीसरे नंबर पर 23 छक्कों के साथ श्रीलंका के महान खिलाड़ी सनत जयसूर्या हैं। रोहित शर्मा ने इस मैच में सचिन तेंदुलकर और साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज हाशिम अमला जैसे बल्लेबाजों का भी रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर सबसे कम मैचों में 8,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर इन दोनों महान खिलाड़ियों को पीछे कर दिया है। रोहित ने यह कारनामा केवल 160 पारियों को खेलकर हासिल किया है। रोहित ने इस मुकाबले में छक्का जड़कर अपना 10,000 रन पूरा किया, जिसके बाद रोहित 10,000 रन पूरा करने की लिस्ट में विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पर हैं। वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। सचिन इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं। तो दोस्तों, रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ एक छक्का लगाकर कई रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया। वहीं सचिन और हाशिम अमला जैसे महान खिलाड़ियों को भी रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार एशिया कप का खिताब रोहित शर्मा भारतीय टीम को दिला पाएंगे या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।